दोस्तों देखिए किस तरीके से काम होता है यहाँ पर, मानना पड़ेगा यार, मानना पड़ेगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका, और आज निकल रहा हूँ मैं कनकपुर के लिए। तो यार मेरे को अलग से वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। रीज़न क्या हुआ कि इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आया, वापस से माइक का कुछ ना कुछ इशू आ गया है, जिस वजह से मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। कहीं कहीं पर आवाज़ रिकॉर्ड हुई है, कहीं कहीं पर नहीं हुई है। जहाँ पर हुई है वहाँ पर ओरिजिनल साउंड रहेगी, और कहीं कहीं पर अगर मेरे को लगता है वॉइस ओवर देने की ज़रूरत है, देन आई विल गिव वॉइस ओवर। सो प्लीज़ बियर इट जस्ट फॉर मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। एक झरना दिखा है, बहुत सुंदर था, वहाँ के ले ले जाते हैं। तो दोस्तों लेट मी प्रेजेंट यू, बहुत ही सुंदर झरना देखिए। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. बैग ले जाए, इन्होंने तो बोला ले जाओ करके। इसके आगे लगा लूं? मित्र देखो वो है जनरेटर जिसको जेसीबी उठा रही है सामने, और उधर पे जेसीबी काम कर रही है हर जगह पर। कितना मुश्किल काम है इनका देख रहे हैं आप। हम अपने ऑफिस में एसी में बैठे रहते हैं और इतनी कंप्लेन रहती है। वो देखो पत्थर हटा लिया उसने, वहाँ से पत्थर लुढ़क के नीचे आने वाला था। कंप्लेन करना आसान है, कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, मानना पड़ेगा यार इनको। इतना ऊँचा पहाड़ है, इस तरीके से काम हो रहा है, पत्थर लगा के स्टेबल कर दिया है उधर पे। नीचे से ट्रैफिक चालू हो गया है, नीचे से गाड़ियां पहले ऊपर आएंगी फिर ऊपर से नीचे जाएंगी जैसे ट्रैफिक क्लियर होता है। ट्रैफिक भी निकल रहा है, काम भी करना है, तो जब ट्रैफिक चलता है उस टाइम काम रुक जाता है, और जैसे ही ट्रैफिक को रोकते हैं फिर वापस से काम चालू हो जाता है। देखिए उधर पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी एट ए टाइम जा सकती, तो इधर पर रुकना लाजमी ही है। और इसीलिए ये पूरा हिस्सा काटा जा रहा है ताकि यहाँ पर रोड का उतना ही चौड़ा हिस्सा आ सके। और इधर पर से पानी का स्रोत फट चुका है कहीं से, इधर पर पानी है। आर्मी की गाड़ी तो बढ़ ली जिप्सी, उनका तो रोज का ही है ये काम। और ये वो जगह है जहाँ से रोड बिल्कुल कम चौड़ी है। ये भाई ने बहुत ही बड़ी गलती की है, सीधे ऐसे निकाल लिया, चलो निकली गई। लड़का भी ज़्यादा उम्र का नहीं है, ये देखिए इसके ठीक ऊपर हमको दिख भी नहीं रहा है वहाँ पर जेसीबी है। ये देखिए ये पूरा चौड़ा किया जाएगा, पूरा पहाड़ का इतना हिस्सा काट दिया जाएगा जेसीबी के द्वारा,
जो ड्रिलिंग हो रही है उसके थ्रू, और फिर कितना चौड़ा हिस्सा बन जाएगा। देखिए दोनों तरफ से जेसीबी चढ़ाने का बना रखा है इन्होंने, और धीरे धीरे करके पहाड़ काट रहे हैं। शायद नेक्स्ट ईयर तक ये सड़क बिल्कुल अच्छे से बन जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी अभी बंद किया होता रास्ता, यहाँ पर भी सफाई चल रही है भैया। चंपावत लग चुका है, गोप्रो में मेमोरी फुल हो गई थी, दैट इज़ द रीज़न नहीं हो पाया था। फिर मैंने यहाँ पर जब लगाया हुआ था जाम, तो मैंने एक्स्ट्रा जो मेरे पास रखा हुआ है मेमोरी कार्ड वो लगा दिया अब इसमें। और वाह यार, बहुत टफ कंडीशन है। ऐसे में कभी बाइकिंग नहीं की है भाई, मैंने नहीं की है, और ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। और ये पहला एक्सपीरियंस ही मतलब भाई मज़े दिलाने वाला है। शायद अब जाने को रास्ता मिल जाए हमको मित्रों, ऐसा लग रहा है दे हैव स्टॉप्ड वॉकिंग नाउ।
ठंडा ठंडा पानी पी के यहाँ से और बाइक खड़ी की है यहाँ पर। बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत मजा आ रहा है। कहाँ हूँ पता है? मुझे भी नहीं पता कहाँ पर हूँ, पर लेकिन यार मानना पड़ेगा। ओए होए, जब यहाँ पर से आता होगा यार पानी भयंकर वाला। अब तो खैर रोड बन गई, सब कुछ सही कर दिया, तरीके से हो गया सब कुछ, मानना पड़ेगा यार। क्या सुंदर नज़ारा है, अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर। देखो भाई, इतना समझाने के बावजूद भी ये लौंडे मौंडे मान नहीं रहे हैं। इनके माँ बाप को पता भी नहीं होगा ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं यहाँ पर। तो यार मेरा तो मानना है, अगर कोई मना कर रहा है वहां पर, जो बैठा हुआ है ऑलरेडी, जो काम कर रहा है वहां पर, अगर आपको मना करता है तो रुक जाना चाहिए, आपकी भलाई के लिए बोल रहा है। अभी देखिए जेसीबी जो है सारा मलबा हटा रही है, यहाँ पर ऊपर एक पेड़ लटका हुआ है, अगर वो ऊपर से गिर जाता है इनके ऊपर, या मलबा गिर जाता, मलबे के नीचे दब जाते, तो फिर उसके बाद क्या करते, किसको वो दोष देते। तो यार दोस्तों, इसके बाद मैं पहुंच गया था टनकपुर। ये रहा टनकपुर शहर, बहुत छोटा सा शहर है, और यहाँ पर मैं बस स्टेशन जो है उसके पास ही रुका था। रेलवे स्टेशन भी यहाँ पर आसपास में ही है, और ये मेरा होटल है जहाँ मैं ठहरा हुआ था। इसके बाद मैं निकल गया था बसा के लिए, जहाँ पर भारत नेपाल बॉर्डर है, और यहाँ पर से मैंने कुछ पिक्चर्स ली हुई हैं जो कि मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, और साथ में जो वीडियो है वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, देख लीजिए आप। हाय फ्रेंड्स, सो मैं हूं अभी भारत और नेपाल के बॉर्डर के पास। ये है शारदा बैराज, और ये रही अपनी केटीएम, और यहां से रास्ता जाता है, इसको पार करके अगर जाओ उधर को, उधर से ये जो है जो लोहे का पुल जैसा दिख रहा है, ये सीमेंटेड पुल को पार करने का लोहे का पुल है, उसको पार करते से ही नेपाल आ जाता है। सो जरूर आइएगा, अभी तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है, और यहाँ से एक बहुत बढ़िया सामने का नज़ारा दिख रहा है सूरज का, मैं कैमरे से लेता हूँ। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जो मेरी 4 days 4 districts 4 stop ride था, उसका तीसरा चरण था, और इसके बाद जो है मैं हल्द्वानी वापस जाने वाला हूँ। पर लेकिन इससे पहले पूर्णागिरी मंदिर के दर्शन करने के बाद, वहाँ की ट्रैक करने के बाद जाऊँगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। आपने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।